हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी रेलिवेंट है। जीएसटी में स्पेशल ड्राइव, जैसे कि आपको बताया, जीएसटी में बिजनेस रजिस्टर्ड रिमाइसिस का वेरिफिकेशन हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है सबसे बड़ा मेरे पास, काफी सारी क्वेरीज आई है, मेल भी आई है। क्या सर, आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन घर के एड्रेस पर लिया हुआ है? आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर कई केसेस में ऐसा होता है जहां पर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका कोई भी गुड्स या सामान नहीं रखा हुआ, तो आपने अपने घर के एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो क्या आपके घर के एड्रेस पर भी वेरिफिकेशन हो सकता है? तो जी हाँ, इसका आंसर है यस। मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलूंगा जीएसटी उस रूल की तरफ, जहां पर मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा और दोनों पॉइंट सुनकर आपको लगेगा कि हो सकता है कि आपने मिस्टेक कर रखी हो। तो जो भी ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने घर के एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उनका भी वेरिफिकेशन हो सकता है और आज के आज उनको ये चीजें चेक कर लेनी है। रूल जो है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, रूल में खुद पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, www.cbic.gov.in, ठीक है। इस पर आप यहाँ पर जीएसटी में जाएंगे, उसमें रूल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सर्च करेंगे रूल 18। रूल 18 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। देखिए, यहाँ पर नेम बोर्ड की बात की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जी हमने तो अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ही प्रिंट करके लगा दिया, तो क्या हमारा साइन बोर्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है? तो ये बिल्कुल गलत है। ये रूल 18 है, जीएसटी के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी यहाँ पर सेक्शंस हैं, उसके अलावा जो भी जजमेंट्स हैं उनको फॉलो करना जरूरी है। डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन द नेम बोर्ड। अब यहाँ पर दो अलग अलग यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, दो रूल्स में जो सब रूल बना है उसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल। पहली बात तो यहाँ पर सेल वर्ड यूज किया गया है, यानी कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो। जनरल रूल है, रूल ये जो रूल आप फॉलो नहीं करते हैं या फिर कोई सेक्शन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सेक्शन 125 सेक्शन 125 में आपको 50,000 रुपए की पेनल्टी, यानी कि 25,000 सीजीएसटी के, 25,000 एसजीएसटी के जो ऑफिसर्स वेरीफाई करने आएंगे वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सेल डिस्प्ले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो लगाना ही लगाना है। इन्हें प्रोमिनियंट लोकेशन, तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि घर के बाहर ही लगाना जरूरी है, या आपकी दुकान है या बिजनेस है जहां पर उसके बाहर लगाना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां पर भी वो आप, जैसे आपने कोई ऑफिस बनाया हुआ है घर में, आप किसी जहां से भी आप अपने एड्रेस को वेरीफाई करा सके वहां पर आप लगा लीजिएगा, एट ही प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सुनिएगा कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उस पर भी और जहां से आप वर्क कर रहे हैं। अभी तक भी ऐसे काफी सारे ऐसे ही होंगे जिन्होंने अपने सारे बिजनेस के जो एड्रेस हैं उनको इन्फॉर्म नहीं किया होगा, किसको, जीएसटी डिपार्टमेंट को। मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तुरंत बदले अपने जीएसटी के सारे डिटेल्स। इसमें मैंने हर पॉइंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें आपको चेंज करनी है वो बताया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप उससे कर सकते हैं, इसमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। आप लॉग इन करें अपने जीएसटी नंबर के थ्रू, अगर पासवर्ड नहीं है तो रिसेट कर लीजिएगा या लॉग इन पासवर्ड, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जितने भी प्लेसेस है, मेन प्लेसेस जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर भी, और कोई एडिशनल प्लेस है जहां से आप बिजनेस रन कर रहे हैं, सभी पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रूल 18 का सब रूल 2 क्या कहता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल डिस्प्ले। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात आ रही है, पहले क्या कह रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाओ। क्वेश्चन आता है कि सर वो 3 पेज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो क्या 3 पेज लगाने हैं? तो देखिए, बेटर है कि आप उन 3 पेजेस को ही अपने एड्रेस पर फिक्स कर लें, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लेमिनेट करके भी लगा सकते हैं सिंपली पेपर पर, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको आपको किसी बोर्ड में आपको फिक्स कराना है, कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल सिंपल पेपर को भी प्रिंट करके लगा सकते हैं। बट यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि अपना जो जीएसटी नंबर है उसको आपको लगाना है नेम बोर्ड। अब यहाँ पर जो नेम बोर्ड है, यहाँ पर साइन बोर्ड की बात आ रही है, जो कि होगा एग्जिबिटेड एट द एंट्री ऑफ हिज प्रिंसिपल प्लेस, जो कि आपको लगाना है, जो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की एंट्री है। इसका मतलब है जीएसटी ऑफिसर्स को वो जो प्लेस है वो दूर से ही आपके नेम बोर्ड से पता लग जाए जहां पर आपका बिजनेस रन कर रहा है। ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये हर उस पर्सन के लिए है जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का काम करते हैं, या फिर वो बिजनेस कर रहे हैं कि दुकान कहीं और बना रखी है, या उन्होंने कंपनी का एड्रेस ऐसे ही कहीं पर खोला हुआ है रेंट एग्रीमेंट के बेस पर, और उन्होंने अपने घर का एड्रेस दिया हुआ है, कि यहाँ पर तो कोई वेरीफाई करने नहीं आएगा। तो देखिए, जीएसटी ऑफिसर्स के पास जो डिटेल्स है वो रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स है वही है। तो जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपके घर पर आते हैं, आपने घर का एड्रेस दिया हुआ है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर आप जो है कोई गुड्स में डील करते हो, वहां पर ऑफिसर आए, उन्होंने चेक करा, उन्हें नेम बोर्ड नहीं मिला,
या फिर वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं मिला जो कि ये सारी चीजें वेरीफाई करा सके, क्या वेरीफाई करा सके, उसके लिए भी मैंने अभी यहाँ पर वीडियो अपलोड की थी। कुछ ऐसे स्पेशल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रखने ही रखने हैं जीएसटी रजिस्टर्ड प्रीमाइसिस पर, ठीक है, वहां पर आप अवेलेबल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसके लिए भी ऑथराइज्ड पर्सन को अपॉइंट करना जरूरी है। सेम वही पॉइंट कि नेम बोर्ड जो है वो मेन प्लेस पे भी लगाना चाहिए और एडिशनल प्लेस पे भी लगाना चाहिए। तो आपको रूल 18 को फॉलो करना है क्योंकि जीएसटी एक्ट में जितनी पावर्स दी गई हैं वो एक्ट में और सेक्शन के अंडर में ही प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पर जो ये फेक न्यूज आ रही है कि जीएसटी में जो सर्वे हो रहे हैं, ये जो स्पेशल ड्राइव चलाई गई है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, वो गाइडलाइंस है, एक तरह से वो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ऑफिसर्स के पास जितने भी प्रोविजन है उसमें ही पावर दी गई है। तो ऐसा डरने की या घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, आप अपने कंप्लायंस को कंप्लीट रखिए और जो जो पॉइंट्स मैं अभी बताते जा रहा हूँ वो कंप्लाई करते चलिएगा। प्लेलिस्ट में मैं स्पेशल ड्राइव के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है जीएसटी स्पेशल ड्राइव, तो जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे क्योंकि जीएसटी ऑफिसर डेली वेरीफाई करने आ रहे हैं तो वो क्या क्या पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से वीडियो सुननी है एंड तक और उसके बाद जो भी मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करना है। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।